आज का अंतर्ज्ञान। भगवत गीता में यह कहकर कि फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म में तल्लीन रहो, कृष्ण हमें कर्म का आनंद देना चाहते हैं, क्योंकि फल की परवाह करते ही आनंद चला जाता है। बच्चा जब खेलता है तो व्यायाम करना उसका ध्येय नहीं होता, आनंद पाना उसका ध्येय होता है। इस आनंद पाने में व्यायाम भी अपने आप हो जाता है। इसी तरह कर्म फल भी है। निष्काम होकर काम करने का आनंद ही अपने में सबसे बड़ा फल है। हम फल की इच्छा के बगैर जितना आनंद लेते हुए काम कर पाएंगे, हमारा कार्य उतना ही उत्कृष्ट होगा। कार्य जितना उत्कृष्ट होगा, वह उतना ही उत्कृष्ट परिणाम भी देगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।